दोस्तों, जितना हम भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा उत्सुक रहते हैं हमारे साइंटिस्ट हमारे इतिहास को जानने के लिए कि आखिर भूतकाल में हमारी धरती पर कौन राज करता था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम सभी जानते हैं कि इतिहास के कई ऐसे महामानव या राक्षस होने के सबूत हमारे सामने आते रहते हैं, क्या सच में इस धरती पर लाखों करोड़ों साल पहले महामानव का अस्तित्व हुआ करता था, या फिर ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसके होने न होने के सबूत। लेकिन उससे पहले आगे की पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिए भाई। 1950 में यूएसए आर्मी की ग्रीस में 18 फीट लंबा नर कंकाल मिला था, जिस कंकाल की खोपड़ी हम जैसे आम इंसानों की लंबाई के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी थी। और इसके अलावा उसी साल एरेस्का में एक इंसानों के जैसे दिखने वाली खोपड़ी एक और में मिली थी, जिसकी हाइट लगभग 3 फीट थी। 1999 में मंगोलिया में 20 फीट लंबा एक कंकाल खुदाई के दौरान मिला, और टेस्टिंग के दौरान ये पता चला कि ये कंकाल 1.25 लाख साल पुराना है। खैर, बात सिर्फ इन्हीं विशालकाय कंकाल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आर्किटेक्चर और वर्कर्स इनके गवाह है कि महामानव धरती पर लाखों साल पहले मौजूद हुआ करते थे, क्योंकि उन बिल्डिंग्स और जगहों को हम जैसे आम इंसान द्वारा बनाया जाना लगभग असंभव है। अगर उस तरह के बिल्डिंग्स बनाने के लिए आज के मॉडर्न मशीन का भी इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी इमारतें बनाना बहुत मुश्किल होगा। मेक्सिको सिटी से 31 मील दूर भवननुमा इमारत, जिसे सिटी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, इसकी खासियत यह है कि यहाँ बड़े पत्थर से हमारे सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया गया है, जिसके सेंटर में सूरज को रिप्रेजेंट किया गया। और यहाँ की एक और खासियत यह है कि यहाँ के पत्थर का आपसी डिस्टेंस रेशियो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के आपसी डिस्टेंस से पूरी तरह से मेल खाता है। यहाँ तक कि प्लूटो को भी एक पत्थर कू तरह दिखाया गया है, जिसके आविष्कार में हमारे मॉडर्न साइंस को 1930 वर्ष तक का समय लग गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि लाखों साल पहले का महामानव साइंस और स्पेस के मामले में बहुत ही ज्यादा तेज हुआ करते थे। इंस्टेंट आइलैंड, जो कि 600 बहुत ही बड़ी मूर्तियों के लिए मशहूर है, ये मूर्तियां इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि हथौड़े से भी ठोकने के बाद भी इन पर आपको एक भी खरोंच देखने को नहीं मिलेगी। इन मूर्तियों का वजन लगभग 100 टन के आसपास है, और इन मूर्तियों की लंबाई 30 से 40 फीट तक है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस आइलैंड में भूतकाल में किसी के रहने का कोई सबूत आज तक हमको नहीं मिल सका है, फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां कैसे पहुंची, और अगर पहुंची भी तो इतनी बड़ी मूर्तियों को कौन लेकर आ सकता है। अब चाहे कोई भी लाया हो, लेकिन ये तो बात साफ है कि इसे हम जैसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं ला सकते और ना ही बना सकते हैं। और इन सब में हम मिस्र के पिरामिड के बनावट को आखिर कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत को भी कुछ साइंटिस्ट इसे इंसानों द्वारा बनाया गया पिरामिड मानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट तक भी इंसान पहुंच चुका है, लेकिन इस पर्वत के शिखर तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, जो कि इस पर्वत को और भी रहस्यमय बनाता है। इन सभी चीजों की सिर्फ बनावट ही नहीं, बल्कि जियोग्राफी पोजिशन भी बहुत ही शॉकिंग है। जैसे कि अगर हम कैलाश पर्वत से एक सीधी लाइन खींचे तो वो लाइन मिस्र के पिरामिड साउथ वेरिजन को छूते हुए निकल जाएगी, और अगर लाइन को और ज्यादा लंबा किया जाए तो वो सीधा इंस्टेंट आइलैंड को चीरते हुए निकलेगा, जहां पर 600 बड़ी मूर्तियां रखी गई हैं। दोस्तों, ये मानव कैसे बने और इनका अस्तित्व दुनिया में कैसे खत्म हुआ, इस मामले में साइंटिस्ट्स का कहना है कि आइए पता लगाते हैं। कुछ साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती पर जा पहुंचा, जिसके धमाके से उल्कापिंड की बरसात होने लगी, जिस वजह से धरती पर महामानव का सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तो ये थे कुछ साइंटिफिक रीजंस जिनकी वजह से हमारी धरती से महामानव का अस्तित्व खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों से क्या लगता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या सच में इन महामानव का राज हुआ करता था? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि और भी इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।